हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, बाबा नमस्ते कर रहा आप लोगों को। तो बोलो सबसे, आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। वहाँ देख के बोलो, मुझे नहीं। तो कल के 3 वीडियो के कमेंट्स लेके मैं आ गई हूँ और मेरे कल के कमेंट के वीडियो में एक जन मुझे कमेंट किए थे और मुझे इतनी अच्छी नसीहत दिए हैं कि वो नसीहत भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। आपसे मैं चाहती हूँ कि आप उस नसीहत के बारे में क्या कहना चाहते हैं। भाई, मैं कुछ गलत कर रही हूँ कि कुछ कि सही कर रही हूँ, मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसीलिए मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे फैमिली हो। तो सबसे पहले मैं ये फर्स्ट वीडियो के कमेंट्स पढ़ लूँ, फिर मैं अपने उस कमेंट के वीडियो के वो कमेंट को पढ़ूंगी जो आप लोग को सुनाना है मुझे। तो सबसे पहले मैं कल के समर के वीडियो का कमेंट पढ़ूंगी, जिसमें समर के उसमें ध्रुव को बुलाया गया था और ध्रुव आया था यहाँ पे गुनगुन के पापा से मिलने के लिए, पर बात नहीं बनी और वहाँ से फिर ध्रुव चला जाता है। तो सबसे पहले मैं ताशी जी का मैसेज पढ़ूंगी। ताशी जी ने कहा, आपने बिल्कुल सही बोला, थैंक यू सो मच ताशी जी। फिर लिलियट डिगामा जी ने लिखा है, सर्कमस्टेंसेस चेंजेस अ पर्सन, एग्जैक्टली। फिर कंचन जी लिखा, यू आर राइट, ट्रू, थैंक यू सो मच कंचन जी। फिर फेरून जी ने लिखा, मुझे हार्ट भेजा है, थैंक यू सो मच। फिर रेनू अनेजा जी ने मुझे लिखा, यू आर वेरी ट्रू, थैंक यू सो मच रेनू जी। फिर शांति जी ने लिखा है, अब तो गुनगुन के पापा भी थोड़ा चेंज लगते हैं, शायद मन ही मन गुनगुन को ध्रुव के साथ भेजने को सोच रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। सही में देखते हैं क्या होता है। फिर आशा कालिया जी ने लिखा है, अगर ध्रुव पहले अपने तेवर ऐसे रखता तो गुनगुन के ऐसे हरकतें करने की हिम्मत नहीं होती। मत करो बेटा, बदमाशी नहीं होती। ठीक कहा आपने आशा जी, पर देर है, दुरुस्त है, अभी तो गुनगुन बड़ी डरी डरी सी रहती है। जाओ खेलो, वहाँ पे कीबोर्ड ले लो, कीबोर्ड लेके खेलो, जाओ। फिर विनीता जी का मैसेज उन्होंने लिखा है, गुनगुन का यही सब है कि हर बोले नारायण ना बोले, क्योंकि ध्रुव भूले और समर ना भूले। गुनगुन को भगवान ने ये रट के भेजा है कि धर्म की समर को, अच्छा ध्रुव को बोलो और समर को मत भूलो, इसलिए वो समर समर की लट लगाई रहती है। सही कहा आपने विनीता जी। फिर जोस्विन जी ने लिखा है, ध्रुव वॉज लविंग विथ हर, She still acted like stubborn mole. Now Gungun is neither this side nor neither that side. Does not know what to do. Good. फिर आपने लिखा है, sister, Gungun father has given Gungun a peace of mind that he is fed up of his problem. His life also has been spoilt and told her, think twice if you can stay with Dhruv. That is left up to you. He indirectly telling Gungun to make home with Dhruv, but Gungun is now frightened of Dhruv because he came with a knife and gave her a good tight slap which she deserves. Exactly. I was so happy that day when he slapped Gungun. मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना कि इस लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए। फिर जयश्री बहन ने लिखा है, दीदी मुझे तो ध्रुव की एंट्री बहुत पसंद आती है। मुझे भी बहुत पसंद आती है, बहुत डेयरिंग वाला लड़का है। समर रुक जाता है बातें करते करते, मगर ध्रुव बिल्कुल नहीं रुकता। गुनगुन को शर्म नहीं लगती, चाकू लेकर आया, मुझे मारा भी, क्यों समर नहीं मारता था? क्या अगर ध्रुव के जगह समर रहता तो गुनगुन के पापा 2 झापड़ मारते? लेकिन दीदी ये ध्रुव है, गुनगुन के पापा का हर हाथ तोड़ देता। एकदम सही कहा आपने जयश्री बहन। फिर गीता जी ने लिखा है, आपने सही कहा है, थैंक यू सो मच। फिर मीना जी ने मुझे बहुत दिन के बाद हार्ट भेजा है, जो भी बहुत कम कर दिया आपने मीना जी, थैंक यू सो मच मीना जी मुझे हार्ट भेजने के लिए। अब मैं देख लेती हूँ किसी का मैसेज अगर रह गया हो तो मैं झटपट बोल दूंगी। नहीं, सारे मैसेजेस मैंने पढ़ लिए इस वीडियो के। अब अपने उस कमेंट का वीडियो, कमेंट के जो वीडियो कल मैंने छोड़ा था, उसमें जो कमेंट आया था वो कमेंट मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। उसमें नंदिनी पवर जी का था, गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच नंदिनी जी। जोसिन जी ने लिखा था, सिस्टर शी ऑल्सो मस्ट हैव टेकन नोटिस दैट गुनगुन डज नॉट लुक फ्रॉम एनी एंगल प्रेगनेंट, सो शी थॉट एज ऑफ टाइम एंड समर हैज गॉन बैक विद राधिका, शी हैज गॉन बैक टू द विलेज। मे बी समर्स मदर यू आर टॉकिंग अबाउट। गुनगुन इज बंदर किया जाने अदरक का स्वाद, ध्रुव लव्स हर विद ऑल हर फॉल्ट बट डज नॉट अप्रिशिएट इट। एग्जैक्टली जोसिन जी, सही में। हाँ, ये मैसेज मैं पढ़ना चाहूँगी। ये कोई मनोज कुमार जी ने मुझे मैसेज लिखा था, उन्होंने मुझे लिखा है, दूसरे की बुराई क्यों कर रही हो, तुम भी तो इतनी साफ नहीं हो, और क्या काम है तुम्हारा, हाँ क्या काम है तुम्हारा, कोई अच्छी बात बोलो। जिस इंसान को सीख मिलती है अपने बच्चों को क्या सीख दोगे, तुम बदतमीज़ी में रहो, तमीज़
हाँ तो इसमें मुझे आप लोग ये बताइए कि मैंने क्या क्या मुझसे क्या गड़बड़ हुई है भाई, क्योंकि मैंने उनको रिप्लाई दिया, मैंने उनको ये रिप्लाई दिया, पहली बार तो मैं आपको नहीं जानती और आप मुझे नहीं जानते, तो मैं साफ दिल की हूँ कि कैसी दिल की हूँ ये तो बहुत दूर की बात है। दूसरी बात ये है कि मैं बुराई यहाँ पे करने नहीं बैठी हूँ, मुझे ये व्लॉग देखना अच्छा लगता है। और समर ने खुद ही कहा था एक दिन कि आप लोग रिप्लाई दीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग बोलिए कि क्या है क्या नहीं है, तो उसके बेसिस में ही मैं वीडियो बनाती हूँ, रिव्यू देती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। बहुत कोई फिल्म के बारे में रिव्यू देते हैं, बहुत कोई इसके उसके बारे में रिव्यू देते हैं, मैं समर के व्लॉग के बारे में रिव्यू देती हूँ। और इससे अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे बच्चों को मैं सही तमीज़ नहीं सिखा रही हूँ, तो मेरे बच्चे पहली बात छोटे हैं, दूसरी बात मेरे बच्चों को तमीज़दार मैं बना रही हूँ कि नहीं बना रही हूँ वो तो वक्त बताएगा, और इसके लिए मेरे घर के जो लोग हैं वो लोग बताएंगे मेरे बच्चे लोग कितने तमीज़दार हैं, ना कि आपसे मुझे जानना पड़ेगा, क्योंकि आप हैं बाहर के लोग। बाहर के लोग आप जो मुझे पसंद ही नहीं कर रहे हो, तो आपसे मैं अपने बच्चों के बारे में अपने बारे में जान के क्या करूँगी। मैं उनसे जानना चाहूँगी जो मुझे पसंद करते हैं, जो मुझे रोज़ देखते हैं, जो मेरे खुद के फैमिली है, मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, मेरे जो 3,970 जो सब्सक्राइबर्स जो मेरे अपने फैमिली हैं, मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि मैं कहाँ गलती की हूँ, मैं क्या गलत हूँ, मैं क्या समर के अगर कुछ बोलती हूँ मैं क्या गलत बोलती हूँ। मैं यहाँ किसी की बुराई नहीं करती हूँ, मैं सच को दिखाती हूँ कि सच क्या है। मैं पहले भी बोली हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, मैं ना राधिका की तारीफ़ करती हूँ, ना मैं ध्रुव की तारीफ़ करती हूँ, ना समर की तारीफ़ करती हूँ, ना किसी की बुराई करती हूँ, ना गुनगुन की बुराई। मैं जो सही है, अगर गुनगुन ना सही होगी, मैं गुनगुन की तारीफ़ 101% करूँगी, पर गुनगुन मुझे गलत लगती है इसलिए मैं उसकी तारीफ़ नहीं करना चाहती, क्योंकि गलत की तारीफ़ करना वो भी एक गलती ही होती है। तो चलिए अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो की ओर चलती हूँ, जहाँ पे समर का हैप्पी बर्थडे मनाया जा रहा था और राधिका उसकी बीवी, प्यारी सी बीवी, उसका बर्थडे मना रही थी। तो इसमें मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स मिले हैं। सबसे पहले मैं कमेंट पढ़ूंगी गीता जी का, उन्होंने लिखा है सच अ क्यूट सिस्टर, आपका बेटा बहुत पूरा बोलता है, आप सही बोल रहे हो सिस्टर, थैंक यू सो मच। फिर रोशनी जी का मैसेज है, एक मिनट, रोशनी जी का मैसेज कहाँ चला गया। हाँ रोशनी जी शायद मुझे नई नई ज्वाइन की है, सो वेलकम टू माय फैमिली, आपने लिखा वेरी गुड, थैंक यू सो मच। फिर रत्ना आंटनी जी ने मुझे लिखा है हैप्पी बर्थडे समर, मे गॉड ब्लेस यू, तो समर के लिए लिखा है, आज के दिन गुनगुन तुम विश की नहीं किया सरप्राइजिंग, सच में बेचारी गुनगुन अभी तक चाकू का डर से बाहर नहीं निकली, सही में मुझे भी यही लग रहा है। फिर मारिया जी ने मुझे मैसेज किया, लिखा है रियली माई सिस्टर यू ऑलवेज टॉक राइट, यू आर वेरी स्वीट, आई एम रियली इन लव विथ यू, थैंक यू सो मच मारिया जी। सिस्टर योर हस्बैंड इज रियली वेरी लकी टू हैव यू एज योर वाइफ, ओ माई गॉड, गॉड विल श्योरली ब्लेस यू ऑल अबंडेंटली, यू विल कम अप टू मच इन योर लाइफ, कीप इट अप एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज ऑलवेज द सेम विथ योर चिल्ड्रेन, गॉड ब्लेस देम, गुड नाइट एंड लव यू, गुड नाइट, ओह गुड मॉर्निंग मारिया जी, आफ्टर ऑल माई हाउस होल्ड वर्क नाउ आई एम सिटिंग एंड टॉकिंग विथ यू ऑल एंड चैटिंग विथ यू ऑल मेकिंग माई कमेंट वीडियो। उसके बाद मेरी रेहाना बहन ने मुझे मैसेज किया है, रेहाना बहन ने लिखा है नमस्ते मैम आप कैसी हो, और मैम समर बहुत सुधर गया है, क्या बात है, अल्लाह करे उसको किसी की बुरी नज़र ना लगे, खास करके गुनगुन के बाप की, गुनगुन की भी बुरी नज़र न लगे। फिर मेरी जयश्री बहन ने लिखा है मैंने बर्थडे वाला वीडियो देखा, समर को दिल से खुशी नहीं हुई, समर के चेहरे से लग रहा था समर का पूरा ध्यान गुनगुन की तरफ था, क्योंकि समर को आधा मन गुनगुन के फ्लैट में लगा है, लेकिन राधिका ने जो बर्थडे मनाया दिल से मनाया, सही बात है, राधिका ने जो किया दिल से किया। फिर यूज़र VY5GS1ZD2D इन्होंने लिखा है समर अब हमेशा राधिका के साथ रहना, उसे कभी भी दुख मत पहुंचाना, यही हम भी कामना करते हैं, पर देखते हैं क्या होता है। ताशी ने लिखा है हमेशा खुश रहो, हाँ समर हमेशा खुश रहो। फिर ताशी ने लिखा है आपने बिल्कुल सही बोला, हैप्पी बर्थडे समर, थैंक यू ताशी जी, मत करो। फिर गोरा बोला जी ने लिखा है मॉरिशस से समर हैप्पी बर्थडे, वेरी गुड राधिका के साथ रहना। उसके बाद कंचन जी ने लिखा है वेरी गुड बेबी बाय बाय, अच्छा युवान को। फिर मेरी खुशी बहन ने लिखा है हेलो दीदी नमस्कार, ऊपर वाला का एक एक समर के दूसरे वाले ब्लॉग में देखा कि गुनगुन के बाप ध्रुव के साथ विदाई, अच्छा ध्रुव के साथ ध्रुव बिलाई तैयार हो गया, एक लड़की को तैयार नहीं है, दूसरा मारकर दिखाएगा। हाँ सही कहा आपने, मतलब वो चाहते हैं कि अब गुनगुन, हाँ बेटा मत करो बिहेव योरसेल्फ, गुनगुन अब ध्रुव के साथ जाके रहे, पर यहाँ पे
गुनगुन के तो अलग ही मिजाज है, देखते हैं खुशी बहन क्या होता है। फिर मुस्कान जी लिखा है राइट मैम थैंक यू सो मच। उसके बाद मैं देख लेती हूँ फटाफट किसी का अगर मैसेज रह गया हो तो मैं झटपट मैसेज पढ़ लूँगी। आ आ आ सबका मैसेजेस मैंने पढ़ लिया है, किसी का नहीं है। अब मैं जा रही हूँ अपनी तीसरी वीडियो की ओर, जहाँ पे मना रहा है गुनगुन के पापा मना रहे हैं, अरे बेटा जो हुआ छोड़ दो, अब तुम मेरी बेटी को अपना लो। तो यहाँ पे सबसे पहला मैसेज मैं पढ़ूंगी, शशि जी का उन्होंने लिखा है बिल्कुल सही कह रहे हैं बहन जी, बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच शशि जी। कंचन लिखा है वेरी गुड, सही बोला आपने, थैंक यू सो मच कंचन जी। अच्छा खुशी बहन ने मुझे थम्स अप भेजा है, अच्छा मुझे लगता है आपके पति आ गए होंगे ना, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद गीता जी ने लिखा है वेरी गुड सिस्टर, आपने सही कहा है, थैंक यू सो मच गीता जी। फिर रागिनी, अच्छा इसके पहले भी आप ही ने मैसेज किया था रागिनी, वहाँ पे आर मतलब रागिनी नहीं लिखा हुआ था, तो रागिनी मोगरे जी ने लिखा है मैडम आप एकदम सही बोल रहे हो, थैंक यू सो मच रागिनी जी, वेलकम टू माई फैमिली, आप मेरे को शायद नए नए ज्वाइन किए हो। फिर मिराली मोधा जी ने लिखा है अरे भाई कहना क्या चाहती हो, आपको समझ में नहीं आया आप फिर से मेरा वीडियो देख लो, आपको शायद समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। उसके बाद जयश्री बहन ने लिखा है देर आए दुरुस्त आए, आखिर बुढ़े अकल आ रही है दीदी, सही में बुढ़े को अकल आई है। रेनू जी ने लिखा है सही बात है सिस्टर विद लॉट्स ऑफ हार्ट, थैंक यू सो मच। सुकुमार जी ने लिखा है वाई कान ध्रुव लिव विद गुनगुन इन द फ्लैट, यू वॉन्टेड समर टू स्टे विद गुनगुन, गुड नाइट, सही बात है। हाँ ध्रुव तो उस फ्लैट में रह सकता है, मैं भी तो बोली कि ध्रुव को उस फ्लैट में रहना चाहिए, जब गुनगुन के साथ रह सकता है समर तो ध्रुव क्यों नहीं रह सकता है, सही बात आपने कहा सुकुमार जी। फिर मानसा देवी जी ने लिखा है अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, गुनगुन के पापा बेटा बेटा ध्रुव को बोल रहे थे, सही बात कहा आपने। फिर रत्नांजी ने लिखा है आए ना ऊंट पहाड़ के नीचे, गुनगुन को ध्रुव से फोबिया हो गया, ऊपर से चाकू देखकर देवदास कभी चाकू लेकर पहाड़ों के पास तो गया नहीं, अफकोर्स ये मॉडर्न देवदास है, हमें लगता है ध्रुव को इसी लड़की को छोड़ देना चाहिए और अपना जीवन में नया खुशी ढूंढना चाहिए, गुनगुन घर बसाने वाली लड़की तो नहीं है, दो दो घर बर्बाद किया, आगे भगवान ध्रुव को सद्बुद्धि दे। रत्नान थी ठीक बोले चिन, पर पता नहीं कितना सद्बुद्धि भगवान इस मॉडर्न देवदास को देंगे। फिर हलीमा जी ने लिखा है लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं ना, कहावत टेकलों पे अच्छा टकलू पे लागू होती है। गुनगुन के पापा, अब मैं देख लेती हूँ किसी का मैसेज रह गया, हाँ मैसेज रह गया है, रत्नान जी का एक मैसेज है गुनगुन अभी अभी जैसा अपने जीवन को चला रही है, जीवन में गुनगुन खुश है क्योंकि कोई काम नहीं, कोई काम काज नहीं है, सिर्फ सोफे पर रहना और फ़ोन चलाना। एक बात गुनगुन अंकित से कह रही थी कि ध्रुव से शादी से पहले गुनगुन समर से प्रेग्नेंट हुई, इट मींस गुनगुन ध्रुव को धोखा दिया और राधिका को चीट किया। सबसे बड़ी बात अगर गुनगुन की बात सच है तो अभी तक बच्चा को तो धरती पर आ जाना चाहिए, मैटर क्या है, लगता है ये बच्चा खूब ओबीडियंट है, जब गुनगुन बोलेगी बाहर आने के लिए तब बच्चा बाहर आएगा, बेस्ट ऑफ लक बच्चा। सही कहा आपने। फिर देख लेती हूँ किसी का मैसेज अगर रह गया हो, नहीं किसी का मैसेज नहीं है, मैंने सारे मैसेजेस पढ़ लिए हैं, मेरे सब मैसेजेस कंप्लीट हो गए और कोई मैसेजेस नहीं है। अब मैं अपना वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, प्लीज़ मुझे प्यार सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा, मेरा बेटा जल्दी से बैडमिंटन रख के जल्दी से बैडमिंटन रैकेट को रख के जल्दी से आ गया गोदी में आप लोगों को बाय बाय करने के लिए, सच में ये एक सेकंड मिस नहीं करना चाहता है। तो चलिए मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अरे उनको बोलो मुझे नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहती हूँ, बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद, ठीक है बाय बाय, मुझे ऐसे प्यार सपोर्ट करते रहिएगा, मुझे अपना बना के रखिएगा, बाय बाय, हाँ हाँ बैडमिंटन स्टिक रैकेट मिल गया, ये खेल रहा खेल, ठीक है तब तक के लिए बाय बाय।